तो आगे महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सप्तम यानी कि सातवें स्कंद की कथा में प्रवेश कराते हैं और बताते हैं कि ये जो भक्ति का मार्ग है ये आसान नहीं है बल्कि बहुत कठिन है। इसीलिए हम इस मार्ग पर चलते तो हैं और पता चलता थोड़ी कठिनाई आ जाती है हम छोड़ देते हैं। मानो जैसे कोई यहाँ पर कथा सुनने आया और सुन करके जा रहा था, रास्ते में साइकिल से गिर गया, हाथ टूट गया। अब क्या कहते हैं कि तुम्हें कथा सूट नहीं करती है, और वे तो सुनते ही हैं, कहते हैं इनको कथा नहीं सूट करती है, आप कथा में मत जाइया कीजिए। और अपने परिवार वालों से भी कह देते हैं हमारे घर में नौटंकी नाटक सब हो सकता है लेकिन कथा नहीं हो सकती। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि प्रभु ने जब पहली बार ही परीक्षा ली और हम लोग उसी में फेल हो गए पहली बार में। और याद रखिए माताओं, हम आप लोग अगर भक्ति करते हैं और हम आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं आ रही है तो समझ लेना अभी उस दाता के दरबार में हमारी हाजिरी नहीं लगी है, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग आसान नहीं है बल्कि कठिन है। वो स्वामी जी भी कहते हैं कि यही सरयावत अरे अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत अति कठिनाई, और भैया कठिनाई से तो ये आता है, इसमें अगर भगवान की कृपा भी नहीं है तो भी ये मौका नहीं आता।